जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और स्वागत है सभी का टेक हेडलाइंस के एक नए एपिसोड में। सबसे पहला अपडेट आ रहा है यूनिहर्ट्ज़ की तरफ से। ये एक स्मार्टफोन ब्रांड है, MWC में अपने एक स्मार्टफोन को अनवील किया है यूनिहर्ट्ज़ लूना करके। और जरा देखो यार, देखने से बिल्कुल आपको नथिंग फोन 1 का याद आ जाएगा, थोड़ा सा एप्पल का भी डिजाइन आपको दिखाई दे रहा होगा। अच्छा लगा, कुछ इंटरेस्टिंग करके दिखाया है यूनिहर्ट्ज़ स्मार्टफोन ब्रांड। और मैं इसलिए इसके बारे में बता रहा हूँ ना यार, क्योंकि काल पे भी इसका खुद इस्तेमाल किए हैं, वो भी MWC में गए ना, इसी वजह से। वैसे आप बताओ यार, आपको ये फोन देखने में कैसा लग रहा है? लेकिन ये इंडिया में नहीं आएगा, ये बाहर के कंट्रीज का कोई स्मार्टफोन ब्रांड है। Xiaomi 13 Pro लॉन्च हो गया इंडिया में और जिसका डर था वही हुआ, जो मैं आपको प्राइस बताया था कल वही प्राइस है, 80,000 रुपए में लॉन्च हुआ है। यार बहुत ही ज्यादा हाई फाई प्राइस हो गया। जब Xiaomi 12 Pro भी इंडिया में लॉन्च हुआ था तो 65,000 रुपए के आसपास लॉन्च हुआ था, ये तो बहुत ज्यादा आगे निकल गया। हाँ, ऑफर्स वगैरह लगा के 70,000 रुपए का ले सकते हो, लेकिन सभी लोग तो ऑफर्स का फायदा नहीं उठा पाते हैं ना। तो अगर आप 70,000 रुपए में ले लोगे तो बहुत ही अच्छा डील है, अदरवाइज बिल्कुल भी इसको 80,000 रुपए में मत खरीदा यार। S23 की तरफ जाओ, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। Pixel 7 Pro खरीद सकते हो यार, कितना अच्छा वो भी ऑप्शन है, इसके चक्कर में मत पड़ो। अगर आप इसके बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हो, वीडियो बनाया था सुबह, आई बटन पे दे दूंगा, क्लिक करके देखना, समझ जाओगे आप सब कुछ। OnePlus Nord 3 कह लो या फिर OnePlus Ace 2V कह लो, इसके ट्रेलर्स आ चुके हैं और बहुत सारे लाइव इमेजेस भी आ चुके हैं। लाइव इमेजेस मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, देख लो। फोन आगे से देखने में वैसे काफी अच्छा लगता है, लेकिन बैक साइड से मजा नहीं आया। वैसे आप बताना आपको डिजाइन कैसा लग रहा है, आप कमेंट करके बताएं नहीं मुझे कि आपको Nord 3 का डिजाइन कैसा लग रहा है। और मैं आपको ट्रेलर स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, देख लो, फोन दाएं बाएं से उड़ता हुआ आपको दिखाई देगा। बेसिकली वही है OnePlus का स्टाइल, एक ब्लैक कलर रहेगा कार्बन फाइबर डिजाइन के साथ, मतलब कि डिजाइन मिलेगा, फैब्रिक तो रहेगा ग्लास वाला ही, और एक नॉर्मल लेवेंडर कलर रहेगा, लेवेंडर रहेगा कि पिस्ता कलर रहेगा, पिस्ता बादाम कलर शायद वैसे ही कुछ होगा। वैसे आप पिस्ता बादाम खाए हो? खाए ही होगे, लेकिन पेड़ से तोड़ के। सच कह रहा हूं मैं यार, इस साल के एंड तक आपको पक्का 500 वॉट का सुपर फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा यार। Realme GT Neo 5 में 240 वॉट का फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी अपने को दिखा था, जो Realme अनवील भी करने वाला है कल या फिर परसों कर देगा Realme GT 3 के साथ। लेकिन Redmi बोला, अभी रुको तुमको बताता हूं मैं, Redmi आज ही अनवील कर दिया 300 वॉट के फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी को। भाई 300 वॉट के फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी को, वो 4100 mAh बैटरी को 2 मिनट में 50% चार्ज करेगा और भाई 5 मिनट में फुल चार्ज कर देगा, 5 मिनट में फुल चार्ज, 5 मिनट में। Honor MWC में कमाल कर दिया, Honor Magic 5 Pro को लॉन्च किया है और भाई इसके कैमरास इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, DxO मार्क पे ये टॉप रैंक पे है, नंबर वन रैंक पे है 152 पॉइंट्स के साथ। अच्छे अच्छे कैमरास वाले फोन्स को ये पछाड़ दिया, S23 Ultra, iPhone 14 Pro Max, उन सबको पछाड़ के आगे निकल गया है। वैसे DxO मार्क के बारे में आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। यार ये पहले नंबर पे पहुंचा कैसे, मेरे को भी यकीन नहीं हो रहा है। वैसे ये फ़ोन काफ़ी अच्छे स्पेक्स दे रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिज़ाइन के साथ भी है, और भाई यहाँ पर आपको सिलिकॉन बेस्ड बैटरी देखने को मिलेगा, लिथियम आयन बैटरी नहीं मिलेगा, सिलिकॉन बेस्ड मिलेगा। एक नया टेक्नोलॉजी है जो ऑनर अपने इसी फोन में इस्तेमाल किया है। पीटे लाओ ऑफिशियली कह दिया है OnePlus का फोल्डेबल स्मार्टफोन Q3 2023 में देखने को मिलेगा, मतलब ये सितंबर के आसपास तक दिखाई दे देगा, जब नया नया ठंडी शुरू होने वाला रहेगा 2023 में। तो यार कोई बड़ी बात नहीं है, ओप्पो का ही तो फोन है, बस चेंजेस करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और क्या मैं सच बोल दिया? क्या मैं सच बोल दिया? वैसे यार एक फायदा हुआ है Xiaomi 13 Pro के लॉन्च होने के बाद, Xiaomi 12 Pro का प्राइस कट हो गया है, अब आपको 53,000 रुपीज़ का ये फोन दिखाई देगा। जाओ यार, बहुत ही अच्छा मौका है, इनफैक्ट थोड़ा सा वेट कर लोगे सेल्स के लिए तो 50,000 रुपए का मिल जाएगा। Oppo Find X6 Pro का डिजाइन बाहर आ चुका है, प्रो वेरियंट का, भाई मानना पड़ेगा यार कैमराज को देख के ही डर लग रहा है यार, बहुत सारे लोगों को ये पछाड़ेगा, इसके कैमराज काफी औसम होंगे, ऊपर से हेजल ब्रेड का हाथ रहेगा। Redmi Note 12 सीरीज के स्मार्टफोन ग्लोबली लॉन्च होने वाले हैं यूरोपियन मार्केट्स में, जिनमें से Redmi Note 12 4G भी होगा। इसके सारे रेंडर्स और स्पेसिफिकेशंस आ चुके हैं, देख लो यार, आपको ऐसा दिखाई देगा, ऐसे स्पेक्स प्रोवाइड करेगा, बहुत ही अच्छा फोन है। इंडिया में अगर सही प्राइस पे दिखाई दे दिया तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा। आई होप सो कि इंडिया में इसका प्राइस 15,000 रुपए के आसपास ही रहे और ज्यादा हाई फाई प्राइस ना रखे Xiaomi। iPhone SE 4 को लेकर काफी अच्छा अपडेट है। स्टार्टिंग में रूमर्स आए थे कि iPhone SE 4 अब नहीं आएगा, Apple उसके ऊपर काम नहीं कर रहा है, उसका बनाने का मूड नहीं है। लेकिन अब दोस्तों इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं जो कहते हैं कि Apple इसके ऊपर काम चालू कर दिया है, इस साल हम लोगों को iPhone SE 4 देखने को मिलेगा और ये Apple का पहला iPhone होगा जहां पर Apple का खुद का 5G मॉडेम Apple यूज करेगा, 4nm पे होगा वो, मैं 5G मॉडेम की बात कर रहा हूँ। देखो यार, आजकल या फिर जितने भी Apple के फोन आए हैं उनमें आपको Qualcomm का 5G मॉडेम देखने को मिलता है, लेकिन Apple बोला था
था कि मैं खुद का 5G मॉडेम बनाऊंगा, वो क्वालकॉम से आज़ाद होना चाहता है। तो अगर आप iPhone SE 4 के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो, ऑलरेडी मैं वीडियो बना दिया था यार, आई बटन पे दे दूंगा, क्लिक करके देख लेना। इंडियन प्राइस, अवेलेबिलिटी, स्पेसिफिकेशन सब कुछ बताया हूँ। इसके तो रेंडर्स भी आ चुके थे। वैसे यार एप्पल का बात निकला है तो आंध्र प्रदेश में एप्पल का सप्लायर फॉक्स लिंक, उसका एक फैक्ट्री है जिसमें आग लग गया। 50% से भी ज़्यादा चीज़ें डैमेज हो गई और ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि कोई भी कैजुअलिटीज हम लोगों को देखने को नहीं मिली। सभी लोग सेफ थे, बस सामान ही डैमेज हुआ। टेक्नो इस साल के एंड तक, मतलब कि दिवाली के आसपास तक, अपने 2-3 लैपटॉप्स को लॉन्च करेगा, जिनमें से 2 कन्फर्म हो चुके हैं, टेक्नो मेगा बुक S1, टेक्नो मेगा बुक T1। टिकटॉक को लेकर काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट है यार। टिकटॉक के बहुत ही बुरे कंडीशन चल रहे हैं अमेरिका में, इंग्लैंड में और कनाडा में। वैसे कनाडा के जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको ऑफिशियली कह दिया गया है, देखो भाई अपने फ़ोन में टिकटॉक को यूज़ नहीं करना है, टिकटॉक को यूज़ मत करना, इंस्टॉल करके मत रखना। प्राइवेसी सिक्योरिटी को लेकर ये कदम उठाया जा रहा है। टेक्नो स्पार्क 10 प्रो को अनवील कर दिया है टेक्नो MWC इवेंट में। वैसे आप बताओ आपको ये फ़ोन कैसा लग रहा है? ये फ़ोन बहुत ही जल्द से जल्द इंडिया में लॉन्च होगा। अगर ये लॉन्च होगा आप खरीदोगे? Honor Magic 5 Ultimate Edition, ये भी बहुत ही जल्द हम लोगों को लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। Honor का प्रीमियम, अल्ट्रा प्रीमियम फ्लैगशिप फ़ोन होगा ये, और इसके कैमरास और भी बवाल होंगे, और भी तगड़े स्पेक्स के साथ आएगा, और लुक्स वाइज तो देखने में बवाल लग ही रहा है। Realme C55 7 तारीख को ग्लोबली लॉन्च हो जाएगा। अब देखते हैं भाई इंडिया लॉन्च डेट कब तक आता है, कुछ पता चलेगा तो आपको बताऊंगा मैं। वैसे यार बताना भूल गया, Honor Magic 5 भी लॉन्च हुआ है, उसके सारे प्राइस, स्पेसिफिकेशंस, डिटेल्स स्क्रीन पे हैं। और भाई Honor अपने स्मार्टफोन्स को इंडिया में लॉन्च नहीं करता है, तो ये भी फोन्स इंडिया में नहीं आएंगे। टेक्नो फैंटम वी फोल्ड भी आज अनवील कर दिया है टेक्नो MWC में, टेक्नो का पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन, जो भाई बहुत ही अच्छी तरीके से मुड़ता और खुलता है, काफ़ी अच्छे स्पेक्स प्रोवाइड कर रहा है। खैर अभी तो प्राइस अनवील नहीं किया है, जैसे प्राइस मुझे पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा। और यार आई होप सो कि ये फ़ोन इंडिया में भी टेक्नो लेके आए सैमसंग को टक्कर देने के लिए। चलो यार आज बस इतने ही न्यूज़ थे, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब करके साइड के बेल आइकन को भी दबा देना, मेरी मदद करने के लिए इस वीडियो को शेयर भी कर देना यार। मुझसे अगर आप बात करना चाहते हो मैं आपको इंस्टाग्राम ट्विटर पे मिल जाऊंगा @realsufyanxan। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।